हाय व्यूअर्स, अब जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लैटिस कांस्टेंट है और क्यूबिक लैटिस की पैकिंग डेंसिटी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाया है, उसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल समझाया है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है। आपको पढ़ना हो तो वो वीडियो आप स्टडी कर लीजिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस के। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ लैटिस कांस्टेंट की और पैकिंग डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस मैंने आपको बताया था, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम जिसमें हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यदि हमने एक यूनिट सेल कंसिडर किया है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो ए है, हर साइड की लेंथ कितनी ए है और एम जो है उसका मास ऑफ द यूनिट सेल है। जैसे हम एम से डिनोट किया हमने, तो वॉल्यूम निकालना चाहते हैं हम एक यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हिसाब से a into a करके a क्यूब आ गया। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी अगर हमने ली है यूनिट सेल की डेंसिटी, उसको हमने रो से डिनोट किया है, तो डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमने यहाँ पे एम लिया था, वॉल्यूम हमने ए क्यूब निकाला था। हमने यहाँ पर क्या किया है, मास की जगह एम रख दिया, वॉल्यूम की जगह ए क्यूब रख दिया है। अब यहाँ से मास हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसका मास कितना होगा। तो ए क्यूब हमारे पास ए रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू ए क्यूब रो हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब यदि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है पर यूनिट सेल, उसको हमने एन मान लिया। एन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है हमारे पास पर यूनिट सेल और एम उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट हमने ले लिया कितना, क्रिस्टल का एम, और एन हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो हमने ले लिया मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमने स्मॉल एन एन से डिनोट किया है, कैपिटल एम बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पे मास ऑफ ईच यूनिट सेल की बात की हमने, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात की थी, यहाँ यूनिट सेल की बात की है। तो मास ऑफ ईच यूनिट सेल इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन। तो स्मॉल एन हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ द लैटिस पर यूनिट सेल। तो इससे हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन टू कौन सा, सबसे नीचे वाला, एम इज इक्वल टू एन कैपिटल एम अपॉन एन। हम क्या करेंगे, अब दोनों ही क्या है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल। तो मास ऑफ द यूनिट सेल हमेशा इक्वल ही होगा। अगर हम एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम उन दोनों को इक्वेट करके चलेंगे और हमारे पास लैटिस कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, अगर हम इसको इक्वेट करके चलते हैं तो हमें पता है ए क्यूब रो विल बी इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एम अपॉन एन। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लें तो वो हमें क्या दे देगा, क्रिस्टल का लैटिस कॉन्स्टेंट। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कैपिटल एम अपॉन एन इंटू रो। अब हमें सिंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू एन कैपिटल एम अपॉन एन रो होल टू द पावर 1/3। ये तो हमारा कॉमन में निकला है कि हमारे पास अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसका हमारे पास कांस्टेंट लैटिस या लैटिस कांस्टेंट क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन थे कि उसमें हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो तीन लैटिस थे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना था, हमारे पास 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन 1/3। ए इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एम बाय एन रो। जब हम बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो बी सी सी में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी थी, एन हमने निकाला था 2। तो यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एम एन रो होल टू द पावर 1/3। अब हम फेस सेंटर्ड के लिए निकाल लेते हैं। तो फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास जो क्यूबिक स्ट्रक्चर थी वैल्यू आएगी यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट की, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास फेस कांस्टेंट में यहाँ पर एन की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 एम अपॉन एन रो होल्ड द पावर
इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, सॉरी एन इक्वल टू फोर के लिए हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की वैल्यू निकाल ली हमने। लैटिस कांस्टेंट कितना होगा सिंपल क्यूबिक के लिए, ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन रो टू द पावर 1/3। और बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास होगा एन इक्वल टू टू, सब्सटीट्यूट किया तो ए इज इक्वल टू टू एम अपॉन एन रो टू द पावर 1/3। और फेस सेंटर्ड के लिए हमने निकाला एन इज इक्वल टू फोर होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4m by n rho whole to the power 1/3। तो पैकिंग डेंसिटी हम देख लेते हैं, हम तीनों कंडीशन के लिए देख लेते हैं। हमने लैटिस कांस्टेंट तो निकाल लिया है, जब हमने लैटिस कांस्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पढ़ा था उसमें हमने रेडियस निकाला था। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए निकालेंगे, फिर बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो पैकिंग डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हमने एक एटम लिया है, एटम का वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है स्मॉल वी, स्मॉल वी इज द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, और कैपिटल वी हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में हमारे पास एटम होते हैं, तो एक एटम का वॉल्यूम हमने स्मॉल वी ले लिया और यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने कैपिटल वी ले लिया। तो पैकिंग डेंसिटी की यदि हम बात करते हैं तो स्मॉल वी बाय कैपिटल वी अगर हम लेते हैं तो वो हमारा कहलाएगा पैकिंग डेंसिटी, मींस वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग डेंसिटी। तो हम तीनों ही केस में, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में, हम अपना पैकिंग डेंसिटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितना है 1। तो वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज एन इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का, क्योंकि हमारा जो एटम होता है स्फेरिकल शेप में होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो स्मॉल v की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारे पास a क्यूब। अब ये जो a क्यूब है हमें किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, रेडियस के फॉर्म में। तो हमें पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब हमने बात की थी तो हमारे पास a की वैल्यू या रेडियस कितना था यूनिट सेल का, r इज इक्वल टू a बाई 2। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई 2r। अब ये 2r हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैपिटल v। तो कैपिटल v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2r का होल क्यूब, मींस 8r क्यूब। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब 4 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से तो हमें पैकिंग डेंसिटी मिल जाएगी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। तो पैकिंग डेंसिटी इज स्मॉल v बाय कैपिटल v, स्मॉल v हमारे पास कितना था 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बचेगा नीचे से और 2 बच जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा π/6। π/6 को हम सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.52। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, पाई की वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए आप 6 से तो आपको मिल जाएगा 0.52, मींस 22π/7। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 6 से तो आपको 0.52 मिल जाएगा, या पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए तो उससे भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसके लिए। अब इसी में यदि हम देख लें तो नंबर ऑफ एटम्स हम बात कर लेते हैं सेकंड बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितना होता है यहाँ पे 2 होता है 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम आगे चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज a क्यूब,
रेडियस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू आपकी चेंज होगी, यहाँ जो हम रेडियस निकालेंगे वो होता हमारे पास √3a/4 इस तरह से। तो जब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो a हमारा आ जाएगा 4r upon root 3। ये लिख लेते हैं हम क्लियरली, यहां से हम 4 ऊपर ले गए तो a की वैल्यू 4r upon root 3, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, यू विल गेट कैपिटल V। तो कैपिटल V की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4r upon root 3 का होल क्यूब, ये आपको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 64r³/√3। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पैकिंग डेंसिटी मिल जाएगी स्मॉल वी बाय कैपिटल वी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8π r³/3/64r³/√3। तो यहाँ आपको सॉल्व करने से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा पाई। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगा π√3/8। इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.68। यहाँ पे आपको पैकिंग डेंसिटी कितनी मिल गई, बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के आपको मिल गई है 0.68। तो ये आपकी बॉडी सेंटर्ड का वैल्यू निकला है पैकिंग डेंसिटी का। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हमें ये देखना है कि थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं पहले, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं हमारे पास, होते हैं 4। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम चार एटम के हमें निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्मॉल वी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4/3 π r³। इसको चाहे तो आप आगे सॉल्व करके लिख लीजिए 16 π r³/3। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यूनिट सेल की, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज a³। अब यहाँ पे जो रेडियस है आपका वो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस होगा वो है, आपकी वैल्यू कितनी आएगी रेडियस की, यहाँ पे कितनी आ जाएगी रेडियस ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपका मिल जाएगा यहाँ पर a/√2, a/√2। अब यहां पे आप इसके क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल के हम इसको वॉल्यूम निकाल लेंगे यूनिट सेल का, उसके बाद पैकिंग डेंसिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे यदि हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 पर चला जाएगा, 2√2 r, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। या इसको आप r पहले लिख लीजिए 2r√2 तो भी चलेगा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा कैपिटल वी इज इक्वल टू 2√2 r³। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे 16√2 r³। अब हम पैकिंग डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैकिंग डेंसिटी PD इज इक्वल टू स्मॉल v बाय कैपिटल v। स्मॉल v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख लेंगे और कैपिटल इस v की वैल्यू इक्वेशन 4 से रख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पैकिंग डेंसिटी निकल जाएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल v की वैल्यू है 16 π r³/3 और कैपिटल v की वैल्यू हमारे पास है 16√2 r³। तो r³ कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास बचेगी उसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, हमारे पास π/3√2 बचेगा, π/3√2।
इसमें हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करके निकालें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.74 हमें यहाँ पे पैकिंग डेंसिटी मिल जाएगी। तो अभी हमने पैकिंग डेंसिटी तीनों की देख ली, तो यहाँ पे हम पैकिंग डेंसिटी को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो पैकिंग डेंसिटी को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ हमने देखा है कि जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, जो बॉडी सेंटर्ड है और जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड की पैकिंग डेंसिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, सॉरी सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड की हमारे पास कितनी मिली थी, एस सी सी की हमें वैल्यू मिल गई थी पैकिंग डेंसिटी 0.52, बॉडी सेंटर्ड की हमें मिली थी पैकिंग डेंसिटी 0.64 और फेस सेंटर्ड की पैकिंग डेंसिटी हमें मिली है 0.74। तो सबसे ज्यादा हमारे पास पैकिंग डेंसिटी किसकी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की। हो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।